नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं शिवानी शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके शहर सहारनपुर की अपडेट के साथ। पिछले 29 दिनों से जहां सहारनपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में भारी गिरावट आ रही थी, वहीं हाल ही में 6 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिससे सहारनपुर में अब कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 226 हो गई, जिसके बारे में जिलाधिकारी ने पूर्ण रूप से जानकारी दी है। देखिए, जनपद में अभी तक कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या 226 है, जिसमें से एक्टिव केसेस की संख्या 25 है। इस तरह आज की डेट में हम लोग की जो L1 फैसिलिटी है उसमें कुल 25 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट एडमिट। हॉटस्पॉट आज की डेट में कुल हॉटस्पॉट की संख्या 4। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल इकाई ननोता के पदाधिकारियों ने लोगों से कैसे किया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का आग्रह, देखिए। आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल इकाई ननोता के नेतृत्व में सभी पदाधिकारियों ने नगर के मुख्य बाजार गुरुद्वारा चौक, संजय चौक, श्री रामलीला चौक पर 2000 मास्कों का वितरण किया। वे सभी व्यापारियों से अनुरोध किया कि दुकान पर मास्क का उपयोग कर दुकानदारी करें। बाज़ार में आने वाले ग्राहकों से भी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के पदाधिकारियों ने ये आग्रह किया है कि बाज़ार में आप लोग भी बिना मास्क के न आएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हमने अपने सभी व्यापारियों से अनुरोध किया है कि माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो ननोता का समस्त बाज़ार खोलने का आदेश दिया गया है, उसके अनुपालन में उन्होंने हमसे अनुरोध किया था कि बाज़ार के सभी दुकानदारों को मास्क पहनना अति अनिवार्य है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने नगर के सभी व्यापारियों को दुकान पर जाकर बारी बारी से उन्हें व दुकान पर खड़े ग्राहकों को मास्क वितरित किए। वह आग्रह किया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और जिलाधिकारी के जो आदेश ननोता के लिए आए हैं और जो उन्होंने आग्रह किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन व मास्क का उपयोग जरूरी है, उसका अनुपालन हर हाल में जरूरी किया जाना है। इसी अपील के साथ आज व्यापार मंडल के मेरे साथी महामंत्री शिव कुमार राणा जी, हमारे संरक्षक सरदार वीर सिंह जी, युवा के अध्यक्ष अंकुर जैन जी, सतीश चावला जी आदि सभी साथियों ने इस कार्यक्रम में अपना पूर्ण सहयोग दिया, उसके लिए मैं इन सभी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना बड़गांव पुलिस द्वारा वांछित चल रहे अभियुक्त महकार पुत्र मुनसैद निवासी ग्राम नूनाबाड़ी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। तीतरो पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 15 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। गांव माधोपुर में दो पक्षों में सरकारी नल से पानी भरने को लेकर चले थे लाठी डंडे, औरतें और बच्चों को भी आई थी गंभीर चोटें। रामपुर मनिहारन में काजी नदीम के आवास पर नगर के संभ्रांत व्यक्तियों की मौजूदगी में ईद के त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने व कस्बे की बेहतर व्यवस्था को लेकर पुलिस कर्मी योद्धाओं को किया गया सम्मानित। तो ये वास्तव में ये सम्मान जो है आपने हमें दिया जरूर है, लेकिन हम स्वयं को इसलिए अधिकारी हम इसलिए नहीं मानते हैं कि ये आपकी वजह से है। अगर आपने इतना कॉपरेशन हमें ना दिया होता, इतना सहयोग नहीं दिया होता, तो शायद ये इस तरह आप हमें ना हम सम्मानित हो रहे होते और ना आप हमें सम्मानित कर रहे हो। इस दौरान मैंने देखा आजी नदीम साहब, हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष बैठे हुए कुलदीप गोयल साहब और मास्टर आजी रूप, इन्होंने तो भाई मैं कहूँगा सबसे सामने, इन्होंने पहले किसी को नहीं बताया हो, इन्होंने तो मेरी उम्मीद से ज़्यादा समझ लो ये समाज सेवा की संस्था। अभी जब रोजे शुरू हुए तो हम बड़ा टेंशन में थे, हमारे पास जैन इंटर कॉलेज में लगभग 44-45 मुस्लिम भाई थे जो रोजा रखने के इच्छुक थे, तो हम सोच रहे थे इनकी व्यवस्था हम कैसे करेंगे। और उसी दौरान मास्टर हाजी रूप जी आगे आए और इन्होंने स्वयं अपने साथियों से इनके नदीम साहब और भी दो चार लोग आगे आए जिनकी मैं नाम नहीं जानता हूँ, इन्होंने कहा साहब पूरी व्यवस्था हम करें, शहरी थी, विस्तार थी
और इन्होंने हर जो भी बिस्कुट ब्रेड दूध जो भी हो सकता था वो सारी व्यवस्थाएं इन्होंने स्वयं अपने शहर के लिए करते रहे। और इसके अलावा जो हमारी क्वारंटाइन की रसोई चलती रही उसमें यहाँ का व्यापार मंडल हमारे ये अध्यक्ष कुलदीप गोयल गोयल जी और इनके साथी दल इन्होंने भी हमारा पूर्ण सहयोग किया। पुलिस और प्रशासन लगातार अपनी दृष्टि अभी हमारे अध्यक्ष साहब फरमा रहे थे कि पब्लिक के बगैर सहयोग से हम लोगों को बात सही है। मैं पब्लिक की तरफ से अध्यक्ष साहब आपको भी और आपके तमाम स्टाफ को सीनियर साहब आपको और आपके तमाम स्टाफ को मुबारकबाद देता हूँ और फिर आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस महामारी में आप लोगों के साथ कल भी थे आज भी हैं कल भी रहेंगे। सब लोगों का जिम्मेदारी है सब लोगों को अपने ऊपर मैन ले पाओ कर सबको कंट्रोल करना है। सीओ साहब की और एसडीएम साहब की तो इतनी वो है कि वो हम लोगों से संपर्क करेंगे देखो बटो फिर हम लोग बीच में जाएंगे हम लोगों को मैं सब लोगों से दरखास्त कर रहा हूँ सब लोग जिम्मेदार बैठे हैं उस पर कि अभी लॉकडाउन भी खत्म नहीं हुआ और महामारी का कोई इलाज भी अभी कंप्लीट होकर हमारे सामने नहीं आया कि हम लोग इससे बच गए ऐसा भी तब कोई आदेश नहीं हुआ सेंटर से या हमारे सूबे से। यूपी तो व्यवस्था पहले भी थी आज भी है लेकिन महामारी पहले भी सर पर खड़ी थी आज भी खड़ी। बाजार भी खुले हैं लोगों को सारी व्यवस्था मिल रही है। जो चीज़ उस लॉकडाउन में उस हॉटस्पॉट में पहुंची है मैं समझता हूं कि कहीं ज़रूरत से ज़्यादा मैं सहारनपुर अभी बात कर रहा था मेरे रिश्तेदार सब मौजूद थे उनको उससे पूछ रहे थे कि आपके यहाँ हॉटस्पॉट में क्या ऐसे ऐसा व्यवस्था है। दोनों दूध भी आ रहा है तीन टाइम सब्जी आ रही है फ्रूट पहुँच रहा है कहने लगा हमारे यहाँ हॉटस्पॉट में जैसा वहाँ कुछ नहीं पहुँच पाया उन लोगों के पास लेकिन हम लोग बहुत शुक्रगुजार अपने इन्होंने ये व्यवस्था कायम की और अब सब लोगों की जिम्मेदारी है कि इन साहब ने भी बताया कि महामारी ये खत्म की बाजार खुलने सब लोगों की जिम्मेदारी है। व्यापार संघ के अध्यक्ष भी तशरीफ रखते हैं हम सब लोगों की जिम्मेदारी है वक्तन पर वक्तन बाजार में जाएँ और लोगों को समझाएँ।